हेलो गाइस, कैसे हो? मैंने प्रतीक और आप देख रहे हैं मुझे किंग डिटेलिंग। यामा R15 V4 आई है, इसमें लेमिनेशन नहीं होनी, इसमें TPU होनी है। जी हाँ, अगर आपको TPU करवानी है तो पूरी वीडियो देखें एंड तक, और देखिए कौन कौन से पार्ट में उड़ी है। देखिए 5 फुट का रोल आता है TPU का, और आगे जाके और भी क्वालिटी में लाने वाला हूँ TPU की, लेकिन एज ए फिलहाल अभी यही अवेलेबल है। तो ऑफकोर्स ये कॉस्टली होती है नॉर्मल लेमिनेशन से 3M से। ये देखिए कितनी मोटी होती है, और ये पानी से लगाई जाती है। इसमें स्पेशल केमिकल लगता है चिपकने के लिए, और शैम्पू भी इसका अलग होता है, नॉर्मल शैम्पू नहीं लगा सकते, मतलब इसमें बड़ी वाला शैम्पू लगता है, तो ऐसे ही चिपकेगी भी नहीं। मतलब ये कह सकते हो ये VIP है, जो सब लोग पागल होते हैं। अब बहुत मोटी होती है कंपेयर टू लेमिनेशन 3M। अब भगवान ना करे बाइक वाइक आपकी गिर भी जाती है, तो काफ़ी हद तक ये बचा लेगी आपके बाइक को स्क्रैचेस लगने से। इसमें आपको भी काफ़ी, जैसे कुछ भी आप लगा लो लेमिनेशन 3M या PPF, आपको भी टेक केयर रखना पड़ेगा। अगर आपने कुछ चीज़ लगाई अपने बाइक पे, तो आपको भी टेक केयर रखना पड़ेगा, ताकि इसमें कोई गंदा पानी या गंदा कपड़ा ना यूज़ करो। डस्ट एक बार चली गई तो पूरी लेमिनेशन या 3M या फिर TPU सारी ख़राब हो जाएगी। दोस्तों जैसे मैं आपको बताता, इसमें वैरायटी बहुत सारी आती है। लेमिनेशन आती है, 3M आती है, और TPU आती है। जैसे ये देख रहे हो, ये TPU है, ठीक है। इससे नीचे जाओगे, इसमें आपको 3 साल की वारंटी मिलेगी। स्ट्रेचेबल नहीं होती है, वन पीस में नहीं होगी ये। जहाँ पे कर्व आने लग जाएगा तो वहाँ पे जॉइंट लगना स्टार्ट हो जाएगा, आगे आपको कर्व दिखेगा वो वाला पार्ट। और अगर मेरे को दिखा अभी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि देखिए ये कर्व है। और अगर आपको 3M करवानी है, वो भी ऑफकोर्स सस्ती होगी TPU से, लेकिन वो वन पीस में होगी और 100% ओरिजिनल होगी। और अगर आपको नॉर्मल लेमिनेशन करवानी है, तो वो भी आप करा सकते हो। उस ऑफकोर्स वो सबसे स्टार्टिंग वेरिएंट है लेमिनेशन का, अगर PPF का अगर देखा जाए तो उसमें भी क्वालिटी काफ़ी है। क्योंकि एक्चुअली के वीडियो में बताना बहुत मुश्किल है, जब तक आप आओगे नहीं फिज़िकली, मतलब चेक नहीं करोगे, फील नहीं करोगे, तब तक आपको कुछ नहीं मालूम पड़ेगा। अगर आपको करवाना है तो मोस्ट वेलकम, आप आइए। सब में आपको लेमिनेशन या 3M में 1-1 साल की वारंटी मिलेगी, और TPU में 3 साल। TPU, हाँ, एक माइनस पॉइंट ये है कि मैट वालों के लिए नहीं आती है, ओनली ग्लोसी। अगर आपको मैट टू ग्लोसी करवानी है तो आप करा सकते हो, लेकिन मैट पे मैट नहीं हो सकती, क्योंकि एक्चुअली क्या है, जो TPU है ना, वो मोस्टली फोर व्हीलर्स के लिए बनी होती है, और फोर व्हीलर्स आपको पता है 99% तक ग्लोसी आती है, मैट बहुत कम आती है, तो इसलिए मैट आती नहीं है TPU। और एक और चीज़ बतानी है, अगर आपको बाइक स्पा करवाना है तो वो भी वीडियो अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हो उसमें क्या क्या सर्विस होती है विदाउट वैक्स। जिनको लेमिनेशन या TPU करवानी है वो वैक्स नहीं करवाते, क्योंकि ऑलरेडी एक फिल्म चल रही है शाइनिंग के लिए। जिनको लेमिनेशन या TPU नहीं करवानी, कुछ भी नहीं करवाना PPU, ये देखिए जॉइंट्स है, ये देख रहे हो, ये जॉइंट्स आ रहा है बीच में, लेकिन ये कवर अभी करेगी आखिरी में। जैसे मैंने आपको बताया था कि जॉइंट्स आएगा, तो आप देखिए कि जॉइंट्स आता है, जैसे कर्व आ गया ना काफ़ी बीच में, ये देखिए ये हाफ लग रहा है, फुल नहीं लग रहा, हाफ लग रहा है, आधा ऊपर होगा आधा नीचे होगा। तो ये केमिकल लगाया जा रहा है चिपकाने के लिए, ये केमिकल लगता है, इसके बिना ये लगेगी नहीं। नॉर्मल लेमिनेशन तो वैसे ही लग जाती है, 3M लगाओ चाहे ये लगाओ कुछ लग जाती है, लेकिन TPU नहीं लगती। जैसे कि मैं आपको बताया था, बाइक्स पर अगर आपको करवानी है तो वो भी अवेलेबल है। उसमें पहले वॉशिंग होगी आपकी, फोम वॉशिंग स्टार्ट हो जाएगी बहुत जल्द, 1-2 हफ्ते में स्टार्ट हो जाएगी। तो पहले नॉर्मल वॉशिंग होगी, नॉर्मल वॉशिंग के बाद रबिंग होगी, रबिंग के बाद टायर के साफ हो गए साइड वाले पार्ट, बीच वाला नहीं होता क्योंकि वो गंदा हो जाएगा ऑलरेडी, तो साइड के पार्ट साफ़ होते हैं। फिर उसके बाद प्लास्टिक जो पार्ट्स होते हैं उस पर क्या कहते हैं पॉलिश होगी। अगर आपको लेमिनेशन नहीं करवाना, तब जाके आपके क्या कहते हैं वैक्स होगा। अगर लेमिनेशन आपको लगाना है तो वैक्स नहीं होगा। इंजन भी साफ होता है, इंजन तब फ़ायदा है जब फॉर्म वॉशिंग होगी, तो अच्छी तरह वॉश हो जाती है इंजन का पार्ट, लेकिन अभी नॉर्मल वॉशिंग में इतना बढ़िया साफ़ करते नहीं है, जहाँ से हम थर्ड पार्टी सर्विस से करवाते हैं। तो फॉर्म वॉशिंग जब स्टार्ट होगी तो इंजन की भी हम आपको वीडियो दिखाएंगे साफ़ करते हुए। जो अभी सर्विस स्टार्ट होने वाली है, मतलब कमिंग सून है, वो इस महीने अगले महीने तक स्टार्ट हो जाएगी, सेरेमिक कोटिंग और होम सर्विस फॉर TPU। TPU हम घर बैठे भी आप पे करा सकते हैं, ऑफकोर्स उसके एक्स्ट्रा पैसे हो गए। फॉर्म वॉशिंग और ड्राई वॉश अभी स्टार्ट हो जाएगा 1-2 हफ्ते में, तो मतलब ये कि अभी ये कमिंग सून है। अगर आपको करवाना है तो आप सर्च कर सकते हो किंग डिटेलिंग, गूगल में डायरेक्शन में क्लिक करो, सीधा यहाँ पे आप आ जाओगे। अगर तब भी कोई दिक्कत आ रही हो तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको लोकेशन भेज दूंगा या गाइड कर दूंगा। प्राइस वगैरह जानना हो, आपको क्या करवाना है, TPU करवाना है, 3M करवाना है, लेमिनेशन करवाना है। TPU जैसे मैंने आपको बताया ओनली फॉर ग्लोसिंग बाइकों के लिए होता है, अगर आपको मैट टू ग्लोस करवाना है तो आप करा सकते हो। और ऑफकोर्स ये काफ़ी मोटी होती है कंपेयर टू 3M, और लेमिनेशन से 3M भी मोटी होती है कंपेयर टू लेमिनेशन से। लेकिन जब तक वही मैं जैसे मैंने आपको बताया, जब तक आप आओगे नहीं, फील नहीं करोगे, तो ऐसे आपको नहीं मालूम पड़ेगा। मेरी शॉप लोकेटेड है करोबाग न्यू दिल्ली, जी हाँ दिल्ली के अंदर, और नाईवाला के अंदर है। अगर आपको यहाँ पर आना है, जैसे मैंने आपको बताया कि इन डिटेलिंग सर्च
सर्च करो गूगल में, डायरेक्शन में क्लिक करो, सीधा यहाँ पे आप आ जाओगे। मंडे ऑफ होता है, जी हाँ मंडे को कभी मत आइए। बाकी अगर आपको आना है तो 11:30 के बाद कभी भी आप आ सकते हो, लेकिन अपॉइंटमेंट लेके आइए। डिस्क्रिप्शन में बुकिंग फॉर्म दे रखा है, वहाँ फिलअप कीजिए, आपको कंफर्मेशन कॉल आ जाएगी 1-2 घंटे में। बुकिंग करवा के आइए, ज़्यादा बेटर है, आपको वेट ना करना पड़े। जैसे कि आगे जाके फेस्टिवल दिन आने वाले हैं, दिवाली, नवरात्रे, तो जैसे दिसंबर भी जैसे कंपनी गाड़ी के ऑफर्स निकालती है, तो काफ़ी मतलब फेस्टिवल आ जाएंगे, तो प्लीज़ जितना हो सके बुक करवा के आइए ताकि आपको वेट ना करना पड़े। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर ऐसी वीडियो इन फ्यूचर देखना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे अपने दोस्तों को शेयर करना या भाई को काम दिखाना हो कि हमारा काम कैसा, मोस्ट वेलकम आप कीजिए। ऐसी काम होगा सेम जैसे आप देख रहे हो, क्योंकि हम हर गाड़ी की वीडियो बनाते हैं, तो ऐसा नहीं कि आपकी गाड़ी का अलग काम होगा, नहीं सेम काम होगा, और ऐसे ही हम आपको खुश करके भेजेंगे जैसे हम सबको भेजते हैं। और आपको चाहे कोई सी भी आप PPF करो, सब में आपको वारंटी कार्ड मिलेगा। वारंटी कार्ड हम देते हैं कंपलसरी लोगों को, ताकि हम भूल जाते हैं, ऑफकोर्स इतने सारे कस्टमर होते हैं और आपको याद रहेगा, फॉर एग्जांपल 11th मंथ में कुछ खराबियाँ रहते हैं तो आप आ सकते हो। हम आपको 3-4 चीज़ें बताएंगे इसको ध्यान रखने के लिए, जो आप लगाओगे तो वो आप अगर पूरा टेक केयर रखोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आप प्लीज़ इंस्टाग्राम में भी आप फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम में ऑफर्स वगैरह आते रहेंगे। बहुत जल्द ऑफर्स स्टार्ट होने वाले हैं, बीच में मैंने बंद कर दिया, तो ये बहुत जल्द स्टार्ट होने वाले, क्योंकि अब फेस्टिवल आने वाले हैं, तो फेस्टिवल ऑफर अब बहुत आने वाले हैं। तो प्लीज़ इंस्टाग्राम में जाइए, डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, वहाँ पे लिंक होगा, क्लिक कीजिए, फॉलो कीजिए। व्हाट्सएप में भी चैनल बन चुका है, आप व्हाट्सएप में भी ज्वाइन हो सकते हो। डिस्क्रिप्शन में जाइए, व्हाट्सएप का लिंक होगा, वहाँ पे फॉलो कीजिए, वहाँ पे अपडेट्स आते रहेंगे, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप सबके पास है, तो ऑफकोर्स आप आसानी से वहाँ पे लिंक में क्लिक करो, आप ज्वाइन हो सकते हो। डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे आपको मेरा एड्रेस, मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप का लिंक, मेरा इंस्टाग्राम का लिंक सब मिल जाएगा। प्राइस वगैरह जानना हो आपको, प्लीज़ मुझे आप व्हाट्सएप कीजिए, डिस्क्रिप्शन मत लिखिए, व्हाट्सएप कीजिए, बताइए आपके पास कौन सी बाइक है, आपको क्या सर्विस करवानी है, PPF में लेमिनेशन करवानी है, 3M करवानी है, TPU करवानी है, बाइक स्पा करवानी है, बाइक स्पा के इंडिविजुअल भी आप करा सकते हो, टायर क्लीनिंग करवाना है खाली, वैक्स करवाना है खाली, रबिंग करवाना खाली, पॉलिशिंग करवानी खाली, तो ये आप इंडिविजुअल भी करा सकते हो, अगर आपको पूरा बाइक स्पा का पैकेज नहीं लेना हो तो। पैकेज अब बहुत जल्द आने वाले ऑफर वाले पैकेज, वो भी हम थोड़ा बहुत चेंज कर रहे हैं, तो वो भी आपको सिर्फ इंस्टाग्राम में मिलेगा। आप जाइए, व्हाट्सएप में मिलेगा ऑफकोर्स, आप व्हाट्सएप में भी जा सकते हो चैनल में, और इंस्टाग्राम में भी जा सकते हो। देखो, आप बहुत मेहनत से बाइक लेते हो, लाखों की लेते हो, तो प्लीज़ सस्ते के चक्कर में मत जाइए। आपका बाइक का डैमेज अभी धुलन होगी, नई नई होगी रेडी, तो अभी आपको नहीं मालूम पड़ेगा। आफ्टर 4 मंथ्स अगर बहुत ही घटिया लेमिनेशन होगी, या आफ्टर 1 ईयर के बाद जब निकलेगी, तब आपको मालूम पड़ जाएगा क्या आपने चीज़ लगाई है जिससे आपका पेंट डैमेज हो सकता है। और उसके ऑफकोर्स उतारने के भी चार्जेस लोग ज़्यादा ले रहे, क्योंकि ऑफकोर्स वो जो गम होती है उनकी भी बहुत गंदी होती है, जब उतरेगी मतलब अनइंस्टॉल होगी ना, तो बहुत ही मतलब घटिया टाइप की उतरती है, तो बहुत टाइम वेस्ट भी लगाती है। अगर फॉर एग्जांपल बाइक 1 घंटे में अगर पूरी होगी ना, तो उतरने में आपके 1.5 से 2 घंटे ले लेगी, कभी कभी ऐसा भी हो हमारे साथ, तो उसके ऑफकोर्स हमने पैसे भी इतने मांगे हैं उतारने के, कोई नहीं मार्केट में उतार पाया, सिर्फ हम ही उतार पाए। तो इसलिए मतलब ये कोई भी टाइम अपना ख़राब नहीं करना चाहता अनइंस्टॉल करने में। अगर आप मुझसे नहीं लगा रहे कोई बात नहीं, कोई इंसान अगर दिल्ली से नहीं है, बाहर से, जम्मू से वीडियो देख रहे हैं, मुंबई से देख रहे हैं, तो कहीं से भी लगाओ, जेन्युइन लगाओ, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, और गारंटी कार्ड लो साथ में। मुँह ज़ुबानी कहीं मत चलना, जो मुँह ज़ुबानी करते हैं वो हमेशा मतलब कस्टमर नहीं बनाते, वो आज आपको बना लिया, काम कर लिया, उनका आज का पैसा आ गया, और कल वो मतलब जानते नहीं आपको। अगर आप 11 मंथ में भी आओगे ना उसके प्रॉब्लम करवाने के लिए, तो वो आपको इग्नोर कर देंगे, क्योंकि वो कस्टमर नहीं बनाते, हम कस्टमर बनाते हैं, इसलिए हम गारंटी कार्ड देते, ताकि आपके हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी देखिए बाइक रेडी हो चुकी है, लुक देखिए, अब बीच में आप देखिए टैंकी के बीच में जॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे, ट्रांसपेरेंट हमने जॉइंट्स लगाए हैं, तो ऐसे अगर आपको करवाना है तो आप आ सकते हो किंग डिटेलिंग में। दोस्तों कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी तो आपको अच्छी लगी, मिलते हैं लूडू में, गुड बाय।